हेलो बच्चों, मैं डिंपल कटारिया यहाँ पे आपको 10वीं कक्षा की गणित विषय का कार्य पत्रक 90 नंबर का करा रही हूँ, जिसमें हम व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, जो व्रत होता है, व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और उसकी परिधि होती है 2πr। ठीक है, अगर हम बात करें व्रत की, तो व्रत में देखो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आता है, तो यानी कि एक संपूर्ण कोण होता है। तो व्रत का जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। अब व्रत के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, त्रिज्यीय खंड की। तो त्रिज्यीय खंड में क्या होता है, जैसे कि ये व्रत है, ठीक है, व्रत में ये केंद्र बिंदु है। व्रत में आप ना दो त्रिज्याएं ले लीजिए, ठीक है, दो त्रिज्याएं, एक ये वाली त्रिज्या और एक ये वाली त्रिज्या। तो दो त्रिज्याएं और एक चाप, इससे जो मिलकर बनेगा वो आपके लिए क्या कहलाएगा, त्रिज्यीय खंड कहलाएगा। और इस त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होगा थीटा बटे 360 डिग्री गुना व्रत का क्षेत्रफल, और व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपका ये सूत्र हो गया है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। और चाप की लंबाई की बात करोगे तो थीटा बटा 360 ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, व्रत की परिधि हो जाएगी, और व्रत की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमारे पास पहला उदाहरण है, इसको देख लेते हैं कि एक व्रत है जिसके त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यानी कि थीटा बटा 360 तो आप करोगे ही करोगे, और साथ साथ में किससे गुना कर दोगे, पाई आर स्क्वायर से। तो पाई का मान कितना हुआ, 22/7, ठीक है। त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर, तो दो बार ये लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है थीटा, इसका कोण है 140/360, तो आपका यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाती है, ठीक है। और फिर जब आप यहाँ पे, आपको मिलता है 22 × 7 × 14 और बटे में आपको मिलेगा यहाँ पे 36। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 59.8 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें कहा है कि एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करो। चाप की लंबाई बोला है, तो आपका यहाँ पे सूत्र लगेगा 2πr थीटा बटे 360 का, ठीक है। तो आप इनका मान रख दीजिए जो भी आपको दिया हुआ है। 2π का मान होता है बच्चों 22/7, त्रिज्या यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर दी हुई है, और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्र जो कोण है 140 दिया हुआ है, और ये हो गया 360। 0 से 0 कट जाएगा बच्चों, 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से आपका ये कटेगा 18 बार, फिर 2 से यहाँ पे 11 और ये 2 × 9 = 18, फिर 2 से 2 = 14, नहीं अब 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 11 को 14 से गुना करके, और जब आप 9 से भाग देंगे तो 17.1 आपके पास उत्तर आएगा। अब इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिनका हमें स्वयं प्रयास करना है, तो हम उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि एक व्रत ऐसा कौन है जिसका माप क्या है, 360 डिग्री। त्रिज्यीय खंड किस किस से मिलकर बना होता है, अभी भी आपको बताया था, दो त्रिज्याएं और संगत चाप से। चित्र को देखकर उदाहरण, हमें चित्र को देखकर उत्तर बताना है। थीटा कोण देखो यहाँ पे बच्चों कितना बना हुआ है, 90 डिग्री, और त्रिज्या आपकी यहाँ पे देखो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपसे कहा है चौथा प्रश्न, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मान रख दीजिए 22/7, त्रिज्या है 3.5, तो 3.5 × 3.5, बच्चों पॉइंट लगी हुई है तो हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इसकी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ठीक है। 7 से काट दीजिए, 7 × 7 = 7, 7 × 5 = 35, 5 से ये कटा, 5 × 2 = 10, 2 से ये आपने 11 बार, तो आपके पास यहाँ पे, और ये 35 भी कट जाएगा, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 11 × 7 = 77, 77/2, तो 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, और 1 × 2 = 5 = 10, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा यहाँ पे इसका उत्तर आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट अपनी न्यू वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।